हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो पे। और आज हम आपको दिखाएंगे झारसुगुड़ा का फेमस पर्वत अंधारी पर्वत। एक साल में एक बार मेला होता है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे है वो पहाड़ पर्वत जहाँ पे लोग बहुत भीड़ होते हैं, और वहाँ पे हम जाएंगे अभी। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाएंगे पूरा कैसे चढ़ते हैं। कैसे चढ़ने से बहुत कम समय में जल्दी चढ़ सकते हैं, वो आपको हम दिखाएंगे। चलो पर्वत चढ़ने का रास्ता। तो चलिए चलते रहिए। अभी हुआ है 2:37। यहाँ पे जंगली सुअर बहुत होते हैं, और देखिए यहाँ पे जंगली सुअर के क्या हाल किए हैं। हम ऊपर जाएंगे, कहीं पे जंगली सुअर हमको मिल भी सकता है, और हाथी भी है इसमें। हम यही दुआ करेंगे कि हाथी हमको नहीं मिले। चलो showing off, don't wanna have to wait tonight, better off, I'm gonna find my way tonight, wait tonight, won't you talk to me, I wanna heal your sorrows, we'll make a new tomorrow. जंगल है और हमारे साथ एक कुत्ता आ रहा है जो पता नहीं कि उस क्या उस वो शायद हमको रास्ता दिखाता है। शुरुआत हुई है जंगल का रास्ता चढ़ने को पर्वत को, लेकिन यहाँ पे एयरटेल और जियो दोनों का नेटवर्क खत्म, नहीं आ रहे हैं। अरे हमारे साथ आ रहे हैं। ड्रेस करते हैं क्योंकि सब जो हम दोस्त लोग हैं सब थक चुके हैं अभी, और बहुत ऊपर है। नीचे दिखा वो कुत्ता भी हम लोगों के साथ आ रहा है, कर रहा है। महाराज आप हमारे साथ आने के लिए आपको धन्यवाद। Long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. अभी 3:02 हुआ है, तो कितना टाइम में पहुंचे हम? बाद में कॉल करेंगे। कितना बजे मैं देखा था? पर्वत के ऊपर तो यहीं पे सब दुकानें सब लगा होता है। इधर से लोग जाते हैं वहाँ पे हम नजदीक पहुँच चुके हैं अभी। वहाँ पे मंदिर है, 3-4 रास्ता है, लेकिन हम जो आपको दिखाएं ये वाला रास्ता। इस रास्ता से आने से सबसे पहले पहुँचोगे, और वो वहाँ से आओगे उधर से आओगे कौरमाल के तरफ से, तो 3-4 पर्वत वैसे ही पार करना पड़ेगा। तो सबसे करीब रास्ता ये है। तो कभी भी आना हमारे यहाँ झारसुगुड़ा का, ये फेमस है अंधारी पर्वत। जो भी है झारसुगुड़ा का सबको पता ही होगा, यहाँ पे अंधारी पूजा होता है, तो इस रास्ते से भी ही आना।
अभी यहाँ से दिखाएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, वीडियो का स्टार्टिंग में जो दिखाए हैं आप लोगों को उसी रास्ते में आना। हाँ, अब ऊपर आने से एयरटेल और जियो का दोनों के टावर आ चुके हैं। अगर भाई साहब यहाँ से आप लोग गिर गए तो बहुत ही कम चांस होता है जिंदा रहने का। ये हम आ चुके हैं बड़ा वाला पत्थर, यहीं पे ही पूजा होता है। चलो चलो ऊपर आके दिखाते हैं। यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए आ सकते हैं आप लोग, ट्यूशन पढ़ने के लिए मुकेश के पास आ सकते हैं अगर आप दो तीन क्लास पढ़ रहे होंगे तो। चलो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। तो चलो चलते हैं ऊपर का व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। ऊपर में मस्त व्यू जाएगा, नीचे का तरफ कितना मस्त आ रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इतना बढ़िया आ रहा है कि हम लोगों का आ रहा है मजा, सबको आ रहा है मजा। तो इसके लिए हम लोग पेड़ों को, क्योंकि ऑक्सीजन का सारा क्रेडिट पेड़ों को जाता है, तो पेड़ों को हम लोग धन्यवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आई लव यू ये पेड़, आई लव यू जंगल, आई लव यू नेचर, आई लव यू ऑक्सीजन। मोर संगे जय मानहरी, जय मानहरी, आई लव यू नेचर, जय मानहरी, जय मानहरी, जय मानहरी, जय मानहरी, जय मानहरी, आई लव यू नेचर। দেখা ভিউজ তো দেখা মতো তো ডর ডর লাগুছে পুরা টিপি। आप लोग देख सकते हैं, दिखाओ वहां से कितना पर्वत है। उस रास्ते से आने से 6-7 पर्वत, मतलब 6 पर्वत पार करके यहाँ पे पहुंचोगे, क्योंकि मंदिर इस साइड में है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं और आ सकते हैं इस रास्ता से। उस रास्ता से आएंगे तो बहुत ही आप लोगों को तकलीफ मिलेगा, मतलब आ जाओगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा और थक जाओगे बहुत ज्यादा। इधर से हम लोग थके, उधर से क्यों नहीं थकोगे आप लोग। कि यहाँ बैठने से बहुत ही मजा आ रहा है, और जिंदगी में अगर आप लोग शांति चाहते हैं तो यहाँ आके बैठिए जरूर, एक बार आके बैठिए तो आप लोगों को पता चलेगा। और ये सुमन सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ का व्यूज नज़ारा कितना मस्त है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा,
रात में हमको लगता है डर, इसलिए अगर आप लोग बोलें तो रात में भी यहाँ पे रुक के हम दिखाएंगे, लेकिन आज नहीं। आप लोग कमेंट में बताइए रात में रुकने के लिए, तो हम लोग जरूर रुकेंगे, यहीं पे खाना बनाएंगे, यहीं पे खाएंगे, पूजा भी करेंगे, माँ अंधारी से बात भी करेंगे, आशीर्वाद लेके जाएंगे, आशीर्वाद लेके जाएंगे। आज भी लेके जा रहे हैं और एक बार भी लेके जाएंगे। जय माँ अंधारी, जय माँ अंधारी, जय माँ अंधारी, आई लव यू नेचर, आई लव यू नेचर, जय माँ अंधारी, अगर होना माँ अंधारी का आशीर्वाद लेके नीचे उतर रहे हैं और घर चले रहे हैं। चलो घर चले, चल चल चल, देखिए यहाँ पे टाइम हुआ है 4:29 और हम लोग नीचे उतर रहे हैं। चलो चलते रहो। हमारे साथ कुत्ता भी यहाँ पे है, हम लोगों के साथ ऊपर आया था, हम लोगों के साथ अभी नीचे भी जा रहा है। पर्वत को चढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन उतरना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैर स्लिप हो जाएगा तो सीधा ऊपर चले जाएगा, नीचे जाने के बजाय मतलब नीचे बॉडी जाएगा, आत्मा ऊपर जाएगा। मोर हाथे मोर छाती ने कब ने काटी रे तो ना लगी छे हेले केने तो से बॉल पाउछे मलिकरी कोही नहीं परी सब चलो दौड़ के चलो, यहां पे थोड़ा रास्ता अच्छा है तो कुत्ता ऊपर चढ़ा नीचे भी आ रहा है, तो इसका नाम कुछ दे देते हैं। कुत्ता वाला रूल चला है, शेरू शेरू शेरू, चलो आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ पे एक बोल आया था मुझे और पता चला कि शेरू दिखाता है अंधारी पर्वत, ये शेरू जो भी आता है, कभी कभी आते हैं लोग तो वो दिखाता है, ऊपर लेके जाता है और नीचे लेके आता है, इसका नाम हम लोग शेरू दे रहे हैं। और अगर आप लोग कभी अकेले आओगे या मतलब मेला के टाइम में नहीं आओगे तो ये आपको रास्ता दिखाएगा, तो कुत्ते के लिए मतलब शेरू के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। लेकिन चप्पल की वजह से कुछ नहीं हुआ, नहीं तो बहुत ही नुकसान दे देता।